पुतिन के भाषण के साथ ही उनकी बीमारी पर चर्चा भी तेज हो गई। अपने भाषण के दौरान लगातार खांसने से पुतिन की हालत पर सवाल खड़े हो गए। उसके बाद पश्चिमी मीडिया के उस दावे को दम मिल गया जिसमें पुतिन के गंभीर रूप से बीमार होने की बात कही गई थी, क्योंकि पुतिन इस दौरान बोलते बोलते बीच में कई बार खांसते नजर आए। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक अपने भाषण के दौरान राष्ट्रपति पुतिन को करीब 40 बार खांसते हुए देखा गया और इसी वजह से उनके गंभीर रूप से बीमार होने की बात पर और जोर दिया जाने लगा, क्योंकि पुतिन की सेहत को लेकर ऐसे दावे आए दिन किए जाते रहे हैं, लेकिन अब तक इसका कोई ठोस सबूत किसी के हाथ नहीं लगा था। हालांकि संसद में दिए भाषण के दौरान उनके खांसने के बाद इस पर फिर एक बार बहस छिड़ गई, जिसके बाद उनके कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी से जूझने का दावा किया गया। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक रूस की सरकार पुतिन के इस भाषण को टालने की तैयारी में थी, लेकिन इसे टालने के बजाय पुतिन के आदेश पर छोटा कर दिया गया। हालांकि पश्चिमी मीडिया का दावा है कि इस दौरान भी पुतिन कई बार परेशान नजर आए। खबर है कि पुतिन कई दिनों से खांसी, पेट के दर्द और उल्टी की समस्या से जूझ रहे हैं। दावा तो ये तक है कि पिछले कुछ दिनों में कई बार पुतिन चक्कर खाकर बेहोश तक हो गए। हालांकि ये कोई पहला मौका नहीं है जब पुतिन के गंभीर रूप से बीमार होने का दावा किया गया हो। इससे पहले उनके कैंसर से जूझने की खबरें भी कई बार सामने आती रही हैं, जिससे छुटकारा पाने के लिए वो तरह तरह की दवाइयां तक ले रहे हैं। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक बीमारी की वजह से पुतिन ने दूसरे देशों की यात्राएं तक टाल दी और पिछले कई महीनों से वो रूस से बाहर तक नहीं निकले। हालांकि रूस के एक टेलीग्राम चैनल के मुताबिक राष्ट्रपति पुतिन अब अपने इलाज में बदलाव करने वाले हैं। उन्होंने कुछ दिन पहले ही दोबारा अपने टेस्ट कराए हैं, जिनकी रिपोर्ट से पुतिन की टेंशन बढ़ चुकी है। रूस के उस टेलीग्राम चैनल के मुताबिक पुतिन नए सिरे से इलाज कराने की तैयारी में है, जिसके लिए वो 5 मार्च को अस्पताल में भर्ती होंगे। और इस दौरान यूक्रेन में जारी उनकी सेना की कार्रवाई से जुड़े हुए फैसले कोई और ले सकता है, इसलिए पुतिन ने युद्ध का 1 साल पूरा होने से पहले ही रूस की जनता को संबोधित करने का फैसला लिया। द मिरर के मुताबिक पिछले साल दिसंबर में भी पुतिन की हालत बुरी तरह बिगड़ गई थी, जिसकी वजह से उन्हें अपने पारिवारिक दौरे तक टालने पड़े थे। इसलिए वो नए सिरे से इलाज कराने की तैयारी में हैं, ताकि इस परेशानी से छुटकारा पाया जा सके। उधर ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, खबर है कि यूक्रेन दौरे के दौरान बाइडेन के पास न्यूक्लियर ब्रीफकेस था। बाइडेन ने पोलैंड से कीव तक का सफर ट्रेन से तय किया था, जिसकी तस्वीरें सामने आई, जिनके आधार पर खबर उड़ी कि बाइडेन के पास न्यूक्लियर ब्रीफकेस था जो वो एहतियातन ले गए थे, क्योंकि रूस और अमेरिका दोनों परमाणु शक्तियां हैं और पुतिन अमेरिका को परमाणु हमले की धमकी दे चुके हैं। एक दिन पहले जब बाइडेन यूक्रेन पहुंचे तो किसी को इसकी भनक तक नहीं लगी थी, लेकिन अगले दिन पूरी दुनिया को पता चल गया कि बाइडेन ने यूक्रेन के सीक्रेट दौरे का प्लान कैसे और कब बनाया, क्योंकि एक दिन पहले दुनिया ने बाइडेन के यूक्रेन पहुंचने के बाद की तस्वीरें देखी थी। लेकिन अगले दिन बाइडेन के पोलैंड से यूक्रेन पहुंचने की तस्वीरें आई, जिनसे साफ साफ पता चल रहा है कि यूक्रेन के सीक्रेट दौरे का प्लान बाइडेन ने सोच समझ कर बनाया था, क्योंकि बाइडेन ने पोलैंड से कीव का सफर हवाई जहाज से नहीं बल्कि ट्रेन से पूरा किया, जिसकी तस्वीरें भी आईं, जिनमें वो पहले प्लेटफॉर्म पर और फिर ट्रेन के अंदर बैठे नजर आए।